हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये मैंने एक डोरमेट बनाया है। ये शर्ट के कपड़े लिए हैं मैंने, मेरे पास दो शर्ट थी। इसके हम गोल गोल गोले काटेंगे, किसी भी डिब्बे के ढक्कन से, कटोरी से, किसी से भी अपने साइज के हिसाब से आप काट लीजिए। छोटी कटोरी हो तो छोटी कटोरी से, नहीं किसी डिब्बे के ढक्कन से काट लीजिए। ये देखिए, मैंने इतने बड़े गोले काट लिए हैं दोनों शर्टों में से, इतने बड़े गोले काटे हुए। इस तरह से इसे हम बनाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है, खूब खूबसूरत लगता है। देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लगेगा ये डोरमेट। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए इसको इस तरह से रखते हैं और इसको यहाँ से एक सेप्टिक पिन से इस तरह से हम पक्का कर लेंगे इसको, जिससे कि ये इधर उधर हिले नहीं। और फिर सुई धागे की मदद से इसको इस तरह से सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको सिलेंगे। अगर आप सुई धागे से ना सिलना चाहें तो इसको मशीन से भी सिल सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। इस तरह से इसको ये सिल लिया। अब इसको दूसरा सिलेंगे, ऐसे इसको रखेंगे। और यहाँ से इसमें सुई डालते हुए इसको सिलेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर इसको सिलेंगे। इसी तरह से हम इसको सिलेंगे पूरे को। और आगे आपको काफ़ी सारे डोरमेटों की डिजाइनें भी मिलेंगी, और भी बहुत कुछ मिलेगा आसनों में। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सिल लिया, ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये मैंने दूसरी कलर चालू कर दिया है, इसको ऐसे रखेंगे, इसके बीच में रखते हुए इसको ऐसे सिलेंगे। जो हमें ऊपर वाला दिखाना है वो सारा चारों तरफ से एक जैसा ही दिखना चाहिए। इस तरह से इसको सिलते हुए पूरे को कवर करेंगे और पूरा गोला तैयार करेंगे। ये देखिए ऐसे इसको सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सिल गया, और अब ये ऐसा लग रहा है सिल के। ये देखिए, ये फिर इसको दूसरा कलर रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कलर के कपड़े हैं तो आप अलग अलग कलर की अलग अलग लाइनें बनाइए तो और भी अच्छा लगेगा। इस तरह से इसको गोले को पूरा करेंगे। आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन से इसको सिल लीजिए, बहुत जल्दी बनता है ये। 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है ये आसन, और देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरह से रखते हुए इसको सिल लेंगे पूरे को।
इस तरह हमारा ये गोला पूरा हो जाएगा। ये ऐसे सिलाई लगाते हुए पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा कर लिया। अब देखिए इसके साइड में ऐसे ही फिर दूसरा गोला रखेंगे। इसी तरह से सिलते हुए पूरे को कवर करेंगे। इसी तरह से आपको अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाइए। मैंने ये मीडियम साइज का बनाया हुआ है। अगर आपको टेबल कवर बनाना है तो आप चौकोर बना लीजिए। ये किसी भी आकार में बन के तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखिए इस तरह से इसको रखते हुए पूरा करेंगे हम। इसको ऐसे ही पूरे को भर लेंगे। एक लाइन इस कलर की, एक लाइन इस कलर की, इसी तरह से रखते हुए इसको हम पूरे को कवर कर लेंगे। और फिर आइए हम सिलाई करते हैं। देखिए कैसा हो गया ये हमारा। इस तरह से ये डोरमेट तैयार हो गया। और देखिए कितनी जल्दी और कितने कम समय में हमारा ये डोरमेट तैयार हुआ है। देखिए कहीं से नहीं गिर रहा है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप भी बनाइए, अपने घर के लिए बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।